चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोग बिना किसी बैटरी के ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, इसमें कोई बैटरी नहीं जुड़ी हुई है, तो होगा क्या कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन कर रहे होंगे। तो अगर इनकी वेलोसिटी u1, u2, u3 और un है तो इसका मतलब इनका एवरेज वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, एवरेज थर्मल वेलोसिटी। un वेक्टर, u2 वेक्टर प्लस डॉट 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 यू एन वेक्टर डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनके डायरेक्शन जो है रैंडम है, इनकी वजह से इनका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, कंडक्टर में एवरेज करंट जीरो रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी कंडक्टर में एक हम लोग बैटरी लगा देते हैं, इस कंडक्टर को एक हम बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जब हम कंडक्टर को बैटरी से जोड़ देंगे तो बैटरी का जो पॉजिटिव प्लेट होगा वो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अट्रैक्ट करेगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर एक डिफिनिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगेगा जिससे सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलने लगेंगे। अब क्या होगा, इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, तो अब इसमें एक करंट फ्लो करेगा, तो करंट का डायरेक्शन हम लोग इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आई, मान लीजिए आई करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि जो इलेक्ट्रॉन थे इस बैटरी की वजह से यहां पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा कंडक्टर के अंदर, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन सारे इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगा होगा। इसका मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन, और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, एफ इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज यहां पर क्या है कि माइनस स्मॉल ई है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कैपिटल ई है, मास इंटू एक्सलरेशन। तो यहां से एक्सलरेशन कितना आ गया, माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर टू बना लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर वन बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार बढ़ेगी। लेकिन अब इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान देने की बात यह है कि जैसे जैसे इस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार बढ़नी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की रफ्तार एक डिफिनिट रफ्तार से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़ेगी ये किसी दूसरे एटम या फिर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर जाएगा, फिर इसकी रफ्तार कम हो जाएगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एटम्स के बगल में जगह बचा होता है, दो एटम्स के बीच में जो जगह खाली होता है, उसी में से होते हुए ये फिर इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बहुत हाई पावर की बाइक है और हमको एक भीड़ भाड़ वाले सड़क पे छोड़ दिया जाता है कि आप जाइए, तो बाइक में पावर बहुत है, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा स्पीड तक ले जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे तब तक कुछ ना कुछ आ जाएगा, कोई आदमी आ जाएगा, कोई रोड ब्रेकर आ जाएगा, जिससे हमको अपनी रफ्तार कम करनी पड़ेगी, तो हमारी रफ्तार एक डिफिनिट रफ्तार से ज़्यादा नहीं हो पाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसकी कुछ रफ्तार बढ़ेगी, तो क्या होगी रफ्तार, लेट v1 v2 डॉट डॉट vn बी द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन देन। अब मान लेते हैं कि v1, v2, v3 क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके लिए, देखिए क्या हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग v1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए। अब t के जगह हम यहां पर tau1 लिखेंगे, tau को हम लोग यहां पर रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं,
रिलैक्सेशन टाइम का मतलब ये होता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम से कोलाइड हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जैसे चल रहा था और किसी एटम से कोलाइड हुआ, और कोलाइड होने के बाद ये दूसरे एटम से कोलाइड होने के ठीक पहले तक जितना टाइम लगाएगा उसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो समय लगेगा उसी को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो कोलिजन होने के ठीक पहले तक टाइम कितना लगा, टाउ1 लगा, तो उसकी कोलिजन के ठीक पहले कितनी स्पीड रही होगी, v1 इज इक्वल टू यू प्लस ए टाउ1, क्योंकि जब कोलाइड हो जाएगा तो फिर से स्पीड चेंज हो जाएगी। इसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, v2 इज इक्वल टू यू प्लस ए टाउ2। इसी तरह से vn इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, un प्लस, मतलब यहां पर u1 और यहां पर u2 लिखना होगा, un प्लस ए टाउ n। अब होगा क्या कि इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, क्योंकि इनके एवरेज वेलोसिटी से ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, VD इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट VN डिवाइड बाई N। अब हम लोग क्या करेंगे, V1 V2 की वैल्यू रखेंगे, U1 वेक्टर प्लस A टाउ1, U2 प्लस A टाउ2, UN प्लस A टाउ N डिवाइड बाई एन। अब हमको क्या करना है, वी डी इज इक्वल टू ये यू वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं, U1 वेक्टर, U2 वेक्टर डॉट 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 UN वेक्टर प्लस टाउ, ये कॉमन ले लेते हैं तो टाउ एक साथ आ जाएगा, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस डॉट डॉट टाउ n डिवाइड बाई एन। अब हम लोग देख रहे हैं इनको अलग अलग कर दें, तो U1 वेक्टर प्लस U2 वेक्टर प्लस डॉट 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 UN वेक्टर डिवाइड बाय N, और यहाँ पर हम A कॉमन ले लिए हैं तो टाउ1 टाउ2 टाउ n डिवाइड बाय N। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में क्या देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं कि ये U1, U2, UN की वैल्यू, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर VD वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्लस वेक्टर A, और इसको हम लोग कहेंगे टाउ। टाउ का मतलब क्या है, मीन रिलैक्सेशन टाइम। टाउ का मतलब जैसे देखिए टाउ1 टाउ2 टाउ n बाई n, मतलब अर्थमेटिक मीन हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो वी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब हमको क्या करना है, ये ए की वैल्यू रख देना है, तो माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई, तो ई के ऊपर वेक्टर लगा देंगे, अपान में एम इंटू टाउ। तो ये हो गया हमारा फार्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ।